अनंत अंबानी का पैशन पूरे देश को समझ में आ गया है, लेकिन इस पैशन को क्या और आप पर देंगे और इसका कोई मुकाम है या जामनगर तक ये सीमित रहने वाला है? हम जामनगर में एक ऐसे केंद्र बनाना चाहते हैं कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग यहाँ से करें। हम यहाँ से जितने भी हमारे वेद जो पशु वेद है उनको हम पूरे भारत में भेजें यहाँ सिखा कर, कि भारत में ऐसे हमारा ये मकसद रहेगा कि एक भी इंडेंजर्ड जानवर बीमारी से ना हमारे कैप्टिविटी में, और जितना हो सके उतना हम दूसरे को मदद करें, कैपेसिटी बिल्डिंग करें। भारत में 150 से ज़्यादा चिड़ियाघर है, हम उन सबको जितना हो सके उतना सपोर्ट करना चाहते हैं कि वो दुनिया का नंबर वन बने और भारत इसमें एक लीडिंग स्ट्रेटजिस्ट बने, और भारत में हम चालू करें कि वाइल्ड लाइफ कैसा, तो इसमें बूंद बूंद से सागर बनता है। तो हम ये चाहते हैं कि जामनगर एक ऐसा हॉस्पिटल लैब आपने तो देखा ऐसे एक बने कि जहाँ हो गया, और रेस्क्यू सेंटर हॉस्पिटल जैसे आपको हमेशा बढ़ता रहेगा, जैसे ज़रूर होगी उस हिसाब से हम बढ़ेंगे और बचाव का कार्य में करेंगे, और जैसे भगवान हमें शक्ति देंगे उस हिसाब से करेंगे जो मंजूर। मुझे पूरा यकीन है कि आप जो इंस्पायर हुए हैं अपनी माँ से, आप चाहेंगे कि ऐसे लाखों अनंत पैदा हों हिंदुस्तान में जी, लेकिन उसके लिए आपको इंस्पायर करना भी ज़रूरी है। तो एक आम आदमी जो ये जानना चाहता है, देखना चाहता है कि आपने किस तरीके की फैसिलिटी बनाई है, वो आ सकता है यहाँ पर? जी बिल्कुल। अब हम जैसे जानवर थोड़े सेटल हो जाए, हमारा जूलॉजिकल पार्क खुलेगा, हमारा हॉस्पिटल के लिए हम एक विजिटर गैलरी बनाएंगे, और ये नॉट फॉर प्रॉफिट है, ये बिल्कुल सेवा का कार्य है। जैसे मैंने आपको कहा ये प्राणी संग्रहालय नहीं, ये प्राणी सेवालय है। तो हम यहाँ लोगों को यहाँ उनको एक अलग प्रेरणा से भावुक होकर कुछ जानवर के लिए करने ज़रूर बुलाएंगे, और हम ऐसे भी सोच रहे हैं कि हम कॉलेजेस और स्कूल के बच्चे के लिए एक एडुकेशन हब यहाँ तैयार करें कि उनका विजिट कराए, और इस पर काम चालू है और जल्दी ही जनता इसका लाभ ले पाएगी। हिंदुस्तान हमेशा से इस बात पर फख्र करता है कि वसुधैव कुटुंबकम के प्रिंसिपल में यकीन रखता है। आपने जानवरों के लिए भी इनफैक्ट जामनगर को एक वसुधैव कुटुंबकम का हब बना दिया है जी, अगर ये कहूँ मैं तो गलत नहीं होगा। सनातन ने मुझे बहुत प्रेरणा दी, आप अगर देखोगे तो हमारे रिलीजियस हैं जी, भगवान जो भी है भगवान के कारण हम सब है। श्री कृष्ण कहते थे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, और श्री कृष्ण के सबसे प्यारे होते थे गाय हाथी घोड़ा, और हमारे हर एक देवता या देवी हर एक का वाहन जानवर होता था, हर एक का प्रिय भी जानवर सरस्वती मोर पंख और मोर सरस्वती के साथ। हमें सनातन से ये एक मुझे ये सीख मिली है कि हर एक जान एक है, मनुष्य हो या पक्षी हो या एक जानवर हो या हाथी हो, कुछ भी एक है, और सेवा करने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। तो मैं भगवान से बहुत धन्यवाद मांगता हूँ और भगवान का बहुत आभार हूँ कि भगवान ने मुझे ऐसे जानवरों का सेवा करने का मौका दी, और ये तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुश नसीब की बात है कि मुझे भगवान ने ये सेवा करने का मौका दिया। और वो चीज़ आपकी आंखों में चमकती भी है, आपकी बातों में झलकती भी है। आप हमने देखा कि आप कैसे एक एक शख्स को यहाँ पर बनी चीज़ों को दिखा रहे थे, आप इसी तरीके से निरंतर आगे बढ़ते रहे, और ये जो सेवा भाव है, ये जो आपने सेवा लय जानवरों के लिए, खासकर वो जो हमेशा से बेड़ियों में रहे हैं उनको आज़ाद किया है, उनको आगे बढ़ाया है, उसके लिए आपको खूब सारी शुभकामनाएं। और अपना ख्याल रखिएगा और उन तमाम जानवरों का जो हमेशा से परेशान रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।